आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। मांगे, प्रदर्शन, बेनतीजा बैठकें और बीतता वक्त। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर इस तरह के घटनाक्रम अब कोई नए नहीं है। आज फिर से एक बार कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 25 तारीख यानी कि दो दिन बाद इसी मसले पर हड़ताल का ऐलान भी किया जा चुका है। 25, 26 और 27 अक्टूबर को हड़ताल की जाएगी। इसके बाद नवंबर में दिल्ली में राष्ट्रीय महारैली के आयोजन की योजना है। कर्मचारियों का कहना है कि एक देश में एक पेंशन व्यवस्था लागू होनी चाहिए। जाहिर है इन सबसे बड़े पैमाने पर कामकाज प्रभावित होगा और आम लोगों पर असर पड़ेगा। सवाल ये भी है कि इस मसले पर कोई नतीजा निकालने में सरकार अभी तक क्यों नाकाम साबित हुई है। इसे लेकर कर्मचारियों और मुख्य सचिव के बीच लोकभवन में अहम बैठक हुई। बताया जा रहा है कि ये बैठक करीब दो घंटे चली, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली की कोई योजना या नतीजा इसमें नहीं निकल पाया। अधिकारियों का ये कहना है कि वो बिना सीएम से बात किए कोई आश्वासन नहीं दे सकते हैं। इस बीच प्रशासन 25 तारीख से घोषित हड़ताल से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर लेना चाहता है। हड़ताल से निपटने के लिए लखनऊ के डीएम कौशल राज शर्मा ने 25 से 27 अक्टूबर तक कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान क्या है, ये विरोध प्रदर्शन और कर्मचारियों की नाराजगी आखिर सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, इन्हीं सब मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। और तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं उनसे परिचय आपका करवा देती हूं। जेपी पांडे जुड़ गए हैं हमारे साथ बीजेपी की ओर से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश चौहान जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, आपका भी स्वागत है। और जेएन तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कर्मचारी नेता हैं, आपका भी स्वागत है सर। सबसे पहले जेएन तिवारी, आप लोगों का बहुत लंबा संघर्ष रहा है, आज भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया, 25 तारीख से हड़ताल की बात कर रहे हैं, तमाम संगठनों का आप लोगों को सहयोग प्राप्त है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम उठा हो सरकार की ओर से ऐसा दिख नहीं रहा है। आज जो बातचीत हुई है, क्या हम माने कि वो बेनतीजा साबित हुई है, क्या रुख देखने को मिला? धन्यवाद शुभ्रा जी, बहुत बहुत आपका। ये पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के कई सालों से संघर्ष चल रहा है, कोई संघर्ष नया नहीं है। सवाल ये है कि 2005 से जब सरकार ने पेंशन बंद किया तो उस समय एक प्रश्न ये था कि आखिर कर्मचारियों की ही पेंशन क्यों बंद की जा रही है, पेंशन पाने वाले तो और भी वर्ग के लोग हैं, माननीय विधायक लोग हैं और भी लोग हैं, लेकिन कर्मचारियों को ही पेंशन बंद करने के लिए क्यों चुना गया। उस समय जो वार्ताएं हम लोगों की ऊपर के स्तर पर हुई और जो चीनें छन के आई वो ये था कि कर्मचारियों की पेंशन देने में सरकार के पास लायबिलिटी ज़्यादा आ रही है, इसलिए सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दिया है। तो ये प्रश्न हम लोगों ने कहा कि सारी लायबिलिटी कर्मचारियों की पेंशन पर आ रही है और पेंशन पर लायबिलिटी नहीं आ रही है, ये बात कोई गले से नीचे उतरने वाली नहीं है। सरकार ने पुरानी पेंशन की जगह पर नई पेंशन स्कीम लागू की, उस नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 10%, सरकार का कर्मचारी कंट्रीब्यूशन, और दोनों को मिला करके जो पैसा इकट्ठा हो जा रहा है वो मार्केट में, शेयर मार्केट में लगाने की बात हुई। उस शेयर मार्केट में फंड मैनेजर कौन होगा, कहाँ कहाँ वो पैसा जाएगा, कर्मचारी को इसकी कोई जानकारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो एक निश्चित रकम उसको पेंशन के रूप में मिलती है। आज सातवां वेतन लागू हो जाने के बाद से चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद से अगर कोई कर्मचारी रिटायर होगा तो उसको कम से कम 29,000 रुपये के आसपास पेंशन मिलेगी। लेकिन नई पेंशन स्कीम में यह निश्चित ही नहीं है कि कर्मचारी रिटायर होने के बाद क्या पाएगा। तो इस पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोगों ने कई स्तर पर सरकार से वार्ता भी किया और सरकार को अवगत भी कराया कि ये पेंशन जरूरी है, इसको रिस्टोर कर दिया जाए, और सरकार लगभग सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमत भी थी कि ये पेंशन दिया जाना चाहिए। लेकिन अब अचानक सरकार ने रुख बदला है और नई पेंशन की खूबियाँ सरकार की तरफ से आने लगी है कि नई पेंशन में इतनी अच्छी अच्छी खूबियां जो पुरानी पेंशन में नहीं है। हम लोगों का ये कहना है कि नई पेंशन अगर इतनी अच्छी है तो पहले इसको और लोगों पर आप लागू कीजिए, माननीय विधायकों पर लागू कीजिए, माननीय सांसदों पर लागू करिए, उसके बाद कर्मचारी की बात आती है तो कर्मचारी भी इसके बारे में सोचेगा। इधर धरना प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, हड़ताल की भी नोटिस है। हड़ताल करना कर्मचारी क्या कोई शौक नहीं है, कर्मचारी शौकिया हड़ताल नहीं करता है। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए,
आंदोलन किए जाते हैं, सरकार का साफ कार्नर बने, सरकार समस्या को समझे, जड़ तक जाए उसको सॉल्व करने के लिए। आप चूंकि कह रहे हैं कि एक सैद्धांतिक सहमति बनती हुई नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब माने जो मांगे हैं वो मान ली जाएंगी, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार रुख बदल गया। चूंकि आप लगातार जुड़े रहे हैं इस तरह के आंदोलन से और जो मांगे हैं उसे शुरू से उठाते रहे हैं आप लोग, आप खुद कह रहे हैं कि लंबा संघर्ष है और जो रुख रहा है सरकार का या फिर अधिकारियों का उसे भी देखते आए हैं, आखिर क्या वजह है इस परिवर्तन का जिसकी आप बात कर रहे हैं? अब पहले तो सुब्रा जी ये बात आई कि चूंकि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी है, इसलिए राज्य सरकार ने वो पेंशन बंद कर दिया, तो काफी दिनों तक तो यही जद्दोजहद चली कि अगर केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन रिस्टोर कर देती है तो राज्य सरकार भी उस पर विचार करेगी। केंद्र सरकार से हम लोगों ने काफी पत्र व्यवहार किया और वहां से वार्ता भी किया, वहाँ के वित्त मंत्रालय ने अंतदोगत्वा ये लिख करके दे दिया कि ये राज्य का मामला है, इसमें केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की पेंशन में निर्णय ले सकती है, राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन नहीं ले सकती है। तो अब ये मामला कुल घूम फिर करके उत्तर प्रदेश सरकार की कोर्ट में आ गया और इसी के तहत कई सरकारों ने झारखंड में, राजस्थान में और कई जगह पर पेंशन रिस्टोर हो गई है कर्मचारियों की। यहाँ भी सरकार को इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि बुढ़ापे में कर्मचारी के लिए पेंशन एक बहुत बड़ा सहारा है, अगर पेंशन नहीं रहती है तो कर्मचारी के लिए बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। अभी दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था और उसकी कवरेज हुई थी मीडिया में, हालांकि अपेक्षाकृत कम हुई थी, लेकिन दर्शकों को हम बता दें कि वहां पर तमाम राज्यों के, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इसी तरह के और भी राज्य हो, वहां के लोग पहुंचे थे और वो ये मांग कर रहे थे जो कि पेंशन को लेकर के खामियां हैं और उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, उससे लेकर परिस्थितियां दुरुस्त की जाएं, सरकार के सामने उन्होंने अपनी मांगें रखी, लेकिन क्यों आखिर सरकारें सुन नहीं रही हैं? जेपी पांडे जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है, जयंत तिवारी ये कह रहे हैं कि एक बार ऐसा लगा कि सैद्धांतिक सहमति बन गई लेकिन फिर उसके बाद रुख बदल गया, और ये भी बात है कि अब गेंद जो है उत्तर प्रदेश सरकार के पाले में है, उत्तर प्रदेश सरकार को ही फैसला करना है, लेकिन जो बैठकें चल रही हैं उसमें अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि जब तक सीएम की तरफ से फैसला कोई नहीं हो जाता है या फिर कोई कड़ा आदेश या निर्देश नहीं आता है, हम कैसे आश्वासन दे दें? आखिर ये बेरुखी क्यों? देखिए सुब्रा जी, नई पेंशन योजना जो है उसमें ये कोई मसला नहीं है कि सरकार की बेरुखी है, एक लोकतांत्रिक सरकार है, नेचुरल रूप से अगर जनता का कोई भी हिस्सा या सरकारी कर्मचारियों का हिस्सा आंदोलित होगा तो उनसे संवाद कायम करेगी, उनके हित की रक्षा करेगी। लेकिन मैं एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट बता दूं आपको कि जो नई पेंशन योजना है वो 2004 में लागू हुई थी, उसके बाद यूपीए की भी सरकार थी और इसमें दल की कोई बात नहीं है। दरअसल अगर आप इसे ये सोचती हैं कि ये पुराने ट्रैक पे चला जाएगा और निश्चित मतलब उनको जो पेंशन है वो उसकी निश्चित राशि फिक्स हो जाएगी, जीपीएफ की राशि फिक्स हो जाएगी, तो ये पहिए को उल्टा घुमाना है। 1990 के बाद उदारवाद आया है और सारी की सारी चीज़ें बाजार के हवाले गई हैं, राज्य सरकारों का 80% जो है कर्मचारियों के वेतन भत्ते पेंशन पे जा रहा है, विकास के कोई कार्य नहीं कर पा रही है। इनकी आशंका मैं तिवारी जी को भी सुन रहा था, इनके आंदोलन के नेताओं, ट्रेड यूनियन के नेताओं को भी सुनता हूं, ये कहते हैं शेयर मार्केट अनिश्चित है, उससे हमारा फंड डूब जाएगा। और मैं ये 2017-18 केवल पिछले वर्ष का ही बता दूं आपको, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जितनी इनरोल्ड कंपनियां थी 4.65 उनकी औसत वृद्धि हुई है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2,590 अरब डॉलर की है, ये उसकी विविधता और उसकी ताकत को भी समझे। ऐसा नहीं है इनका जो फंड होगा 10% इनके वेतन और भत्ते से कटना है, 10% गवर्नमेंट देनी है, फिर एक फंड मैनेजर होगा, वो स्पेशलाइज्ड व्यक्ति होगा, उसके सजेशन पे इन्वेस्ट होगा। हाँ, ये इनकी मांग पे सरकार जरूर विचार कर रही है कि अगर बाजार के उतार चढ़ाव से इनको घाटा होता है तो निश्चित मिनिमम राशि के लिए विचार कर सकती है। और ट्रेड यूनियन के बारे में ये जरूर मैं कह दूं कि इनका इतिहास बड़ा अच्छा रहा, लाला लाजपत राय तक की स्थापना किए थे, तब ये लोग समाज के दूसरे पहलू पर भी ध्यान देते थे, आज ये केवल अपने टीएडीए पर ध्यान देते हैं, वेतन बढ़ाने ध्यान पर ध्यान देते हैं, बहुत अंतर है। 120% जयंत तिवारी आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप लोग बार बार ये कहते हैं कि लाइबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है इस तरह के पेंशन की स्कीम की वजह से, ये पूछ रहे हैं कि आखिर आपको कर्मचारियों को जो पेंशन देनी है उसी से क्यों लाइबिलिटी नजर आती है और भी तमाम जो पेंशन मिल रहे हैं उस पर क्यों नहीं आता? ये तिवारी जी दो बार कहे हैं, मैं इनको बता दूं कि जो माननीय प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो प्रधान हो, पार्षद हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, लाभ का पद नहीं होता तिवारी जी, उसके अगर आप पेंशन की मांग करते हैं
कि हटाई जाए वो दूसरी प्रक्रिया, आप लाभ के पद पे बैठे हैं और आपकी जो कार्यकुशलता है प्राइवेट सेक्शन की कार्यकुशलता से भारत में बहुत खराब है, ये स्वीकार कर लीजिए। प्राइवेट शिक्षक, प्राइवेट टीचर, प्राइवेट कोई भी सीईओ हो, सापेक्ष रूप से गवर्नमेंट का हो, अब वो निश्चित आप वो पूरा देश देखता है और वेतन आप 120% ज्यादा लेते हैं। तो हमारा देश, हमारे देश अगर प्राइवेट सेक्टर को दुरुस्त नहीं किया जा पा रहा है, जयप्रकाश जी, अगर प्राइवेट सेक्टर में जो खामियां हैं उसे हम दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, दुरुस्त वो भी होनी चाहिए, पर अगर वो नहीं हो पा रही है तो क्या सरकारी सेक्टर जो है उसका भी वही हाल हो जाए? नहीं नहीं, जो हाल दे रहे हैं इनके वेतन भत्ते आर्थिक जो इनकी सहायता है सेवा शर्तें हैं वो राज्य सरकार गरीबों की कीमत पे कैसे कर सकती है? सुब्रा जी अगर इनको निश्चित पेंशन दी जाए 29,000 इनको पेंशन, ये बताएंगे आप गरीबों से तुलना कर रहे हैं, ये आपको बताएंगे इनका हाल, 10,000 सैलरी पे काम करे, ये इनका हाल खुद बताएंगे। इससे जब माननीयों से तुलना होती है तो आपको आपत्ति हो जाती है, लेकिन गरीबों से आप तुलना कर रहे हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि इन्हें संतोष कर लेना चाहिए, क्योंकि इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, इसलिए इनको संतोष कर लेना चाहिए कि जितना मिल रहा है उतना बहुत है, ये संतोष विधायक सांसद क्यों नहीं करते हैं सर? हाँ बोलिए जयंत तिवारी साहब। पांडे जी, हाँ, आपने कई बातें बहुत अच्छी अच्छी कह दी। एक तो आपने कह दिया कि सरकार का 80% बजट कर्मचारी की तनख्वाह चला जाता है, अपने करेक्ट कर लीजिए, अपना आप बजट देख लीजिए जो आपने अपनी विधानसभा में किया है, उसमें कुल 17.4% बजट कर्मचारियों के वेतन पर आता है और उसमें से भी 80% बजट जो है आपका जो ऊपर का टॉप का, एक मिनट हमें बोल ले लीजिए फिर कहिएगा आप, उसको ऑन रिकॉर्ड है आपका जो मैं प्रमुख सचिव वित्त द्वारा जो जारी की हुई बुकलेट उसके अंदर लिखा हुआ है, उसका भी 80% बजट ऊपर के अधिकारी ले लेते हैं और बाकी जो 20% बजट है उसमें के लाखों कर्मचारी आता है। अब आप ये कह रहे हैं कि कर्मचारियों कार्यकुशलता कम है, आप ये देखिए कि सरकार कितना इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट सेक्टर में प्रोवाइड करती है, उस कम इंफ्रास्ट्रक्चर में कम सुविधाओं में जितना ज्यादा से ज्यादा आउटपुट सरकार दे सकती, सरकार को दिया जा सकता है, जनता को दिया जा सकता है, कर्मचारी देता है। अगर आप अपने कर्मचारियों की तुलना जो है प्राइवेट सेक्टर से करेंगे तो आपको प्राइवेट सेक्टर की सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी और आप वो सुविधाएं नहीं देना चाहते हैं जो सरकार में मिलने वाली है उसको आप छीन रहे हैं, तो आप प्राइवेट सेक्टर को हमारी सुविधाएं कहां दे पाएंगे? लेकिन मुकेश चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका पक्ष भी जान लेते हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं। मुकेश जी, विपक्ष का क्या स्टैंड है, क्योंकि जेपी पांडे जी कह रहे हैं कि किसी एक दल की बात नहीं है, आपको इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए इसे। देखिए 2003-04 में पुरानी पेंशन को बंद किया गया, उस समय अटल जी प्रधानमंत्री जी थे और आज भी जिस तरह से कर्मचारी आंदोलित है, कांग्रेस पार्टी हमारे नेता लगातार कह रहे हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। सरकार को बहाल करना चाहिए, जो वर्तमान सरकार है उसको बहाल करना चाहिए। अभी राज बब्बर जी हमारे कर्मचारी आंदोलन में गए थे, उनके नेताओं से भी मिले थे, जिस तरह से अभी हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे थे कि कर्मचारी उस स्तर का काम नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार उनसे काम लेना नहीं चाहती है, या जब जब बीजेपी की सरकार आती है तब तक निजीकरण की तरफ ज़्यादा भागते हैं। जिस तरह से निजीकरण की तरफ बीजेपी भागती है और सरकारी कर्मचारियों की उपेक्षा करती है, ये कतई उचित नहीं। हमारे सरकारी कर्मचारी सरकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का काम करते हैं और बहुत ही मजबूती से काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है जिस तरह से अभी बीजेपी के मित्र कह रहे थे कि काम नहीं कर रहे, जिस तरह से प्राइवेट वाले काम कर रहे, प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों की तुलना नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती है। और जिस तरह से आपने बताया कि निजी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी दिन रात काम कर रहा है और योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए लगातार उस पर मेहनत कर रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, सचिवालय के लोग रात में 10-10 बजे रात तक काम करते हैं, कोई उनको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता, लेकिन वो कार्य करके नीचे तक धरातल तक योजनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। जब बजट आता है तब देखिए 12-12 बजे रात तक सचिवालय खुला रहता है, ऐसा नहीं है। हमारे कर्मचारी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, उन पे किसी तरह के टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है और किसी को भी नहीं करनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो। और जिस तरह से तिवारी जी ने जायज मांगे रखी हैं और उनके नेता रख रहे हैं कर्मचारियों की बात, सरकार को विचार करना चाहिए और सरकार को उसको पुरानी पेंशन को बहाल करना और चाहिए। अगर काम में ढिलाई हो भी रही है तो उनसे ठीक तरीके से काम लेना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, पेंशन में कटौती करके या फिर इस तरह के हथकंडे अपना करके, ये तो उनके परिवारों के साथ भी जाति करना है ना जयप्रकाश जी। जिस तरह से भी बता शेयर की बात थी, जो इन लोगों के पैसे को शेयर में लगाया जा रहा, सरकार अभी तक निश्चित ही नहीं कर पाई
कि हम अगर शेयर बाजार गिरता है, अगर उससे नुकसान होता है, कैसे भरपाई करेंगे, अभी उसी पे चिंतन नहीं हो पाया है, तो कर्मचारियों को कितना नुकसान होगा ये कोई जान नहीं सकता, क्योंकि आज लगातार शेयर बाजार लगातार गिर रहा है। सरकार को चिंतन करना चाहिए, विपक्ष की मांग है सरकार से कि पुरानी पेंशन को बहाल करे जिससे कर्मचारियों को राहत मिले। आईएएस आईपीएस सबको पेंशन मिल रही है और नौजवान आज मेहनत करके सरकारी नौकरी अगर करना चाहता है वो क्यों करेगा, हमारे पास अच्छे लोग आ ही नहीं पाएंगे काम करने के लिए, वो प्राइवेट में ही जाएंगे क्योंकि उनको सरकार से कई गुना ज्यादा तनख्वाह मिलती है। ऐसा नहीं जिस तरह से पांडे जी कह रहे थे कि नहीं तनख्वाह हम ज्यादा दे रहे हैं, प्राइवेट के लोग ज्यादा तनख्वाह दे रहे हैं, उनको सुविधाएं दे रहे हैं और आप कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्शन में दो वर्ग है मुकेश जी, एक कारपोरेट सेक्शन है वो संगठित है, उनका वेतन हमसे 30 गुना ज्यादा है सरकार से, वो मैं भी स्वीकार करता हूं। आप असंगठित से तुलना कैसे कर सकते हैं, आप असंगठित से तुलना कैसे हमारे सरकारी कर्मचारियों को कर सकते हैं, हमारे सरकारी कर्मचारियों का अपमान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। असंगठित सेक्शन के प्रति ज्यादा संवेदन, ये सोच सरकार की है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने जब तक सत्ता में आई है तब तक कर्मचारियों की उपेक्षा की है। इनकी नियत है कि पीएसयू को बंद करने का काम किया, जितने भी पीएसयू हैं उनको बंद करने का काम किया। 10 साल 2004 से ज्यादा मंत्री जी ने अपने इंटरव्यू का सरकार था, पीएसयू बच्चे में सरकार थी, कोई बड़ा उदारवाद की बात कर रहे थे, उदारवाद के भारत में मुख्य प्रणेता मनमोहन सिंह जी हैं, आपको देखना नहीं चाहते करण पे, तो हम एक कदम आगे बढ़े, बस ये है कि आपके भ्रष्टाचार पे रोक लगा दिए। भ्रष्टाचार का तो आरोप कोई अलग कहीं पे ही नहीं है कि आपके रिजीम में जो आज 70 सालों में हुआ वो भी हो गया, आपकी सीबीआई के दफ्तर में रेड पड़ गई, काला धन लगातार ज्यादा जमा हो गया, से आपकी वही रही है जो हमारी काला धन 50% जमा हो गया। पेंशन योजना में 10 साल आप कर रहे हो, आप क्या कर रहे थे, नौकरी 700 करोड़ रुपया कर्मचारियों को पड़ा हुआ है 10 साल से, आप ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे फंड मैनेजर कहाँ यूज कर दे, तो आपकी आर्थिक नीति कहाँ डिफर थी, आप 10 साल में पुरानी क्यों नहीं बहाल कर दी, अब विपक्ष में आए हैं तो कह रहे हैं पुरानी बहाल करेंगे, 10 साल आपको अवसर मिला था 2004 से 2014 तक आपकी सरकार थी। विचार करना शुरू किया लास्ट ईयर में, हम जब हमको समझ में आया कर्मचारियों की बात जब समझ में आई तो हमको दे, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ पार्टी की ओर से जब सरकार आएगी तो हमारी पार्टी पुरानी पेंशन को बहाल करेगी। जयंत तिवारी जी को शामिल कर लेते हैं। जयंत तिवारी जी, इस बात की तो आपको आदत पड़ गई होगी कि तमाम पार्टियां जो हैं एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि किसी एक खास सरकार की जिम्मेदारी बनती है, मौजूदा सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, कर्मचारी का रवैया सरकार के साथ हरदम सहयोगात्मक रहा है, कर्मचारी सरकार से अननेसेसरी झगड़े की बात नहीं करता, अगर हम अपनी जायज बात सरकार के सामने लाते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं तो इसको अन्यथा रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये सवाल दो पार्टियों की सरकार का नहीं है कि कौन सी सरकार में पेंशन गई और कौन सी सरकार में पेंशन रिस्टोर होगी या कौन आएगा तो करेगा कौन आएगा नहीं, पेंशन कर्मचारियों को मिलती आ रही है आज से नहीं सैकड़ों साल पहले से मिलती आ रही है और उसको रिस्टोर किया जाना चाहिए, उसको खत्म करने का कोई वैलिड कारण अगर आपके पास हो तो क्यों आप खत्म करना चाहते हैं भाई। कर्मचारी जो वेतन पाता है इनकम टैक्स देता है, नंबर वन में इनकम टैक्स देता है और उस इनकम टैक्स से आपकी योजनाएं चल रही है, सब कुछ चल रहा है। आज कर्मचारी अगर काम नहीं करता, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर में अस्पताल बने हुए हैं, उन अस्पतालों में जो मरीज आता है जैसे ही सीरियस होता है वो अस्पताल वाले अपने यहाँ से डिस्चार्ज करके KGMU और बलरामपुर और जिला चिकित्सालयों में भेज देते हैं और वहाँ वो अस्पताल उन मरीजों को भर्ती करते हैं और भर्ती करके उसमें 80% को ठीक कर देते हैं, तो हमारी एफिशिएंसी कहाँ से कम हो गई भाई। सरकारी कर्मचारी की एफिशिएंसी पर प्रश्न उठाना सरकार को अपने ऊपर प्रश्न उठाने के बराबर है। और पुरानी पेंशन का जहाँ तक सवाल है, पुरानी पेंशन पर सरकार को सहायता के साथ बात करके इसका रास्ता निकालना चाहिए, पुरानी पेंशन रिस्टोर करना ही इसका रास्ता है और बीच का कोई रास्ता बचता नहीं है। सरकार के सामने हड़ताल से निपटने की तमाम बातें हैं, आप कोई भी दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हो, कर्मचारी तो आपके निचले तबके कर्मचारी है उस पर आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये उसका बाया मीडिया नहीं है, रेमेडी नहीं है। रेमेडी ये है कि आप उस पर रचनात्मक तरीके से सामने आए। एक बात मुझे बताइए जयप्रकाश जी, बात करिए कर्मचारी की समस्याओं का समाधान, जयप्रकाश जी आप सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जयप्रकाश जी मुझे एक बात बताइए, ये कभी कभी बड़ी ही अजीब स्थिति लगती है कि आप लोगों को, बीजेपी के तमाम नेताओं को और खुद मुख्यमंत्री को
चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों या इस प्रदेश के युवा हों, शायद उनकी क्षमता पर भरोसा नहीं है। भरोसा शायद खुद पर आप लोगों को कितना है ये मालूम नहीं, लेकिन योगी जी ये कहते हैं कि नौकरियां तो हैं लेकिन योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। आप ये कहते हैं कि कर्मचारी जो है उतने सक्षम नहीं है। आखिर ये कौन सी टेंडेंसी है, ये क्या प्रवृत्ति है इस दूसरों को आंकने की? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जो चयन की प्रक्रिया है कर्मचारियों की, वो भारत के सबसे प्रतिभाशाली लोग सिविल सर्विस में आते हैं, कर्मचारियों में भी आते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जो ट्रेनिंग प्रोसेस है और जो भी पद्धति उपनिवेशवाद के दौर से है, उसमें ये आप भी प्रैक्टिकली देखिए तो मानेंगी कि अगर एक छोटे हाउस में भी स्कूल है तो वो प्राइवेट टीचर जितना मेहनत कर लेता है, नहीं तो जीआईसी बिल्डिंगें हैं ना इसी शहर में, आरएलबी है या सीएमएस हैं, इनकी चेन क्यों ग्रोथ कर गई? ज्यादा फीस दे के लोग क्यों पढ़ाते हैं? टीचर योग्य हमारे पास हैं, क्यों नहीं लोग पढ़ाते? उसी टीचर का लड़का प्राइवेट स्कूल में क्यों जाता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे अयोग्य लोग हैं, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा, वरना प्राइवेट सेक्शन की जीडीपी में इतना रेशियो कहां से आती? हमारे प्राइवेट सारे आर्थिक सेक्शन भी जो नवरत्न थे वो भी घाटे में चले गए, और ये भारत में ही नहीं है, दुनिया भर में, अफ्रीका, ब्राजील, जो डेवलप्ड कंट्री है उनकी छोड़ दीजिए, हर जगह। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा एक मसला बड़ा संवेदनशील है। अभी भारत अमेरिका नहीं हो गया है कि लोग नौकरी से रिजाइन देके घूमने चले जाते हैं, यानी कि आपको सरकार में आए हुए अभी कुछ ही साल हुए हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो व्यवस्था रही है इस देश में या उत्तर प्रदेश में इतने सालों से, उसकी वजह से जो काम करने की प्रणाली रही है उसने कर्मचारियों को निकम्मा बना दिया है? जी जी बिल्कुल, उनको चूंकि जो प्रोत्साहन की प्रक्रिया प्राइवेट सेक्शन में है वो नहीं है, और निश्चित रूप से इसके पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं, क्षेत्रीय दल रहे हैं, उनका भी जो प्रभाव हस्तक्षेप वो बड़े कुख्यात रहे हैं अपने प्रबंधन। अच्छा, के लिए इसका जवाब एक एक करके मैं आप दोनों से लूंगी। मुकेश जी पहले आप बताइए। सफलता रही है लेकिन पिछले वो सरकारों की रही है, ये सरकार के जो भी नेतृत्व है 17-18 घंटा खुद काम करते हैं, उनको मुकेश जी कह रहे थे, हमें खुशी है वो काम इसलिए कर रहे हैं कि योगी जी 17-18 घंटा काम करते हैं तो सचिवालय में काम हो गए। शिक्षा विभाग, यानी कि कुल मिलाकर सर आप काम कर नहीं रहे तो आप क्यों पेंशन कह रहे हैं? पहले मुकेश जी आप बताइए, फिर मैं आती हूं आपके पास। पांडे जी ने स्वीकार कर लिया कि हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने अभी एक बात कही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था अभी एक चैनल के इंटरव्यू में कि यहाँ पे नौजवान उस योग्य नहीं कि हमारी जो परीक्षाओं की जो प्रक्रिया है उसको पार कर पाए। जैसे शिक्षक भर्ती के मामले में उन्होंने कहा था कि 1,37,000 शिक्षक के पद खाली हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ नौजवान इस योग्य नहीं, ये आप कह के उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान कर रहे हैं। आप तो सही ढंग से परीक्षा करा नहीं पा रहे, उनका रिजल्ट नहीं आउट करा पा रहे हैं। आपने एसएससी की परीक्षा हुई उसका पेपर लीक हो गया, नलकूप की परीक्षा हुई उसका पेपर लीक हो गया, ऊर्जा विभाग की परीक्षा उसका लीक हो गया, लगातार परीक्षाओं के पर्चे लीक हो रहे। जो शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया 68,500 का, उसका ऐसा रिजल्ट आया कि हाईकोर्ट लोग गए, जो बच्चे फेल थे वो 34 बच्चे पास हो गए, और जो बैठे नहीं एग्जाम में वो पास, वो उनका रिजल्ट में पास होने का आ गया। बड़ी विडंबना है कि सरकार सही ढंग से परीक्षा ना करा पा रही है, ना रिजल्ट आउट कर पा रही है। ये सरकार का फेलियर है, सरकार ना सुशासन ठीक से दे पा रही है, ना बच्चों एग्जाम करा पा रही है। जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये दोनों जो मसले हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, और हमें समझदारी से इन दोनों को अलग अलग रख के देखना पड़ेगा। अगर हम शिक्षा पद्धति की बात कर रहे हैं, अगर हम कार्य प्रणाली की बात कर रहे हैं जिसने बहुत सारी खामियां अपने भीतर समेट ली है इतने सालों में, तो उसे दुरुस्त करने का काम भी सरकार का है, लेकिन उसकी वजह से कटौती कर दी जाए उनको दे रही सुविधाओं में या पेंशन में, ये बिल्कुल ही हास्यास्पद बात है। अगर वाकई ऐसा है, मैं सही कह रही हूँ सर? जयंत तिवारी साहब, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि काम लेना एक अलग बात है, सुविधा देना एक अलग बात है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और आप अपने कर्मचारी को सुविधा नहीं दोगे तो जाहिर बात है उसके अंदर संतोष रहेगा, वो असंतोष कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा। आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के स्कूल है वहाँ बच्चों की भरमार है और बहुत अच्छे बच्चे निकल रहे हैं, हाईकोर्ट ने आदेश किया तो था कि सारे नेता सारे अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए, क्यों नहीं आप लोग पहल करते हो? जाहिर बात है अगर बड़े लोगों के बच्चे उसमें आने लगेंगे तो आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर सुधार की भी बात करोगे। आज सीएमएस है या जो दूसरे पब्लिक सेक्टर के स्कूल हैं उसमें एक बच्चे पर एक कंप्यूटर है, वो जब कंप्यूटर सीखने जाता है तो अब आपके सरकारी स्कूलों में या तो कंप्यूटर है ही नहीं या पूरे क्लास के लिए एक कंप्यूटर है, क्या बच्चा सीखेगा और किस तरह से सीखेगा? तो ये चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी। इसको पेंशन से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। पेंशन
एक अलग मुद्दा है और ये मुद्दा अलग मुद्दा है, इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं हड़ताल का ऐलान हुआ है 25, 26 और 27 तारीख को, उसके लिए उससे निपटने के लिए प्रशासन तैयारी जरूर कर रहा है, लेकिन क्या मांगों को लेकर के उतनी सजगता है इस पर सवाल बना हुआ है और क्या वाकई कोई हल निकल पाएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए।